Hello, aspirants, welcome to the UPAC analyzer. So, today we will discuss newspaper analysis dated 19th of August 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. I have also started my UPAC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail if you are interested and want to join this program for that you need to visit the telegram group and the link of the telegram group is in the description box here the first news is inflation target breach rbi committee will meet to draft report for government rbi ka yaha par primary objective hai inflation ko 2 6% ke mein maintain karna aur rbi agar 3 quarters the inflation ko टू से सिक्स परसेंट के बीच में मेंटेन नहीं कर पाती है तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई और आरबीआई अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो गई फिर यहाँ पर आर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आर अपने इन्फ्लेशन को टारगेट को क्यों नहीं मेनटेन कर पाई और इसके अलावा यहाँ पर क्या रेमेडी है और इसके अलावा यहाँ पर आगे आर का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है आर हैज़ मल्टीपल रोल्स बट इट्स अकाउंटेबल फॉर वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और वो जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन्फ्लेशन को टू से सिक्स परसेंट की रेंज में रखना होता है इफ इट फेल्स द आरबीआई एक्ट थ्रू द मॉन्स पॉलिसी फ्रेमवर्क यहां पर एक्सप्लेन करेगा गवर्नमेंट को आरबीआई अपने टारगेट में क्यों नहीं स्टिकाया वॉट एक्शन इट प्रोपोजल टू रेमेडी और यहां पर आरबीआई क्या करेगा तो आरबीआई का आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कॉल अ स्पेशल मीटिंग ऑफ इट्स मॉनिश्री पॉलिसी कमिटी आफ्टर अक्टूबर ट्वेल्व और यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाकर यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी और रीजनस एक्सप्लेन किए जाएंगे कि आरबीआई बी यहाँ पर टू से सिक्स परसेंट के बीच में इन्फ्लेशन को क्यों नहीं मेनटेन कर पाया द यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आर तो यहाँ पर आपको वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है यूनियन गवर्मेंट इन कंसल्टेशन विद फिक्सज़ द इफ्लेशन टारगेट फॉर द सेंट्रल बैंक एवरी फाइव ईयर्स और ये डिसाइड किया गया था जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर टू से सिक्स परसेंट के बीच मेंटेन करना है सिक्स अपर लिमिट और टू लोअर लिमिट तो फोर प्लस माइनस टू दैट इज़ टू टू सिक्स परसेंट के बीच में इन्फ्लेशन को मैंटेन करना है तो पाँच सालों के लिए इस टारगेट को डिसाइड किया गया था दो हज़ार सोलह से दो हज़ार इक्कीस तक फिर बाद में इसको पाँच सालों से और एक्सटेंड कर दिया गया अब ये मार्च इकतीस दो हज़ार छब्बीस तक यही टारगेट है कि दो से छः परसेंट के बीच में इन्फ्लेशन को यहाँ पर मेनटेन करना है द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड स्टैटूटरी बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन्फ्लेशन टारगेट्स बाई द आरबीआई और उसके लिए ही यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन किया जाता है बिटवीन देन आर बी आई गवर्नर रघुराम राजन एंड देन फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव महर्षि फिर उसके लिए आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर को एमेंड किया जाता है दो हज़ार सोलह में जो कि इफेक्ट देता है इस मॉनिट्री पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो ये आपको वर्ड्स पर इसीलिए ध्यान देना है कि यूनियन गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके फिक्स करती है कि क्या इन्फ्लेशन टारगेट होगा क्योंकि प्रलम्पस में एक क्वेश्चन आया था उसमें बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया था आर के साथ द आर इन कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट ये यहाँ पर स्टेटमेंट कर दिया गया था जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट आर के साथ कंसल्टेशन करके फिक्स करती है कि क्या इन्फ्लेशन टारगेट यहाँ पर रखना है अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रो ओवर न्यू वोटर्स जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सेज़ ओवर ट्वेंटी टू लैक आर फर्स्ट टाइमर्स अब ये यहाँ पर बाईस लाख वोटर्स इंक्रीज कैसे हो गए ऑफिशियल सेट बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जाते थे फॉर द असेंबली पोल्स वर मेड अंडर द एम्बिट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 लेकिन जब से यहाँ पर आर्टिकल 370 के का एब्रोगेशन हुआ है तो उसके बाद रेप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी और नाइनटीन फिफ्टी वन एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर में इसका मतलब यह है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज़ अटेंड द क्वालिफाइंग एज और वो यहाँ पर ऑर्डिनरली रेसाइड कर रहा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल होगा टू बी रजिस्टर्ड इन द एलेक्टोरल रोल ऑफ दैट प्लेस और वो यहाँ पर डिसक्वालीफाई अगर नहीं है तो वो अगर ऑर्डिनरली रेसिडेंट है तब भी वो यहाँ पर वोट कर सकता है जो कि इससे पहले अलाउड नहीं था जब यहाँ पर आर्टिकल थ्री सेवेंटी था तो इसके चलते सिर्फ यहां पर जो परमानेंट रेसिडेंट है वही वोट कर सकते थे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में ऑन विंस डे द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैज देयर वाज नो नीड फॉर वन टू हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट और टू बी अ परमानेंट रेसिडेंट टू बी बिस्टेड एज अ वोटर इन द जम्मू एंड कश्मीर एनीमोर जिसकी वजह से यहां पर बाईस लाख नए वोटर्स एड हो चुके हैं क्योंकि अब यहां पर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो भी वोट कर सकते हैं इससे पहले सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट ही अलाउड थे वोट करने के लिए क्योंकि जो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किए जाते थे वो यहां पर अंडर द एम्बिट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 के अंतर्गत यहां पर प्रिपेयर किए जाते थे नेक्स्ट यहां पर नीति आयोग ने अपने ऑफिशियल से ये कहा है कि अगर आप कोई भी मीडिया आउटलेट में अपना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए भेजते हो तो उससे पहले यहां पर एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको तो नीति आयोग हैज आस्क्ड इट्स ऑफिशियल टू गेट ऑल ऑपेट्स आर्टिकल्स अप्रूव्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द केस ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स एंड बाय द रेस्पेक्टिव एडवाइजर्स इन द केस ऑफ जूनियर ऑफिशियल्स बिफोर सेंडिंग देम फॉर एक्सटर्नल पब्लिकेशन टू एनी मीडिया आउटलेट यहाँ पर रायगढ़ कोस्ट की बात की गई तो महाराष्ट्र रायगढ़ कोस्ट फिर यहाँ पर एक यॉट था तो ये यॉट में यहाँ पर ए के टू फोर्टी सेवन मिले हैं इसके अलावा यहाँ पर सेवेंटी फोर राइफ़ल्स मिले हैं एमिनेशन मिला है अब ये सब क्यों मिला है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इनका ये कहना है कि सोमाली पायलट से बचने के लिए ये सब रखा गया था अब ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ लोकेन्स है तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक लोकेशन है हरी हरेश्वर बीच तो हरी हरेश्वर बीच रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है द दिक्सटीन मीटर लॉन्ग यॉट जिसका नाम है लेडी हैन वॉ स्पाउंड बाई लोकल फिशर फोक ऑफ हरी हरेश्वर बच इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो ये आपको कुछ लोकेशन पता होनी चाहिए इससे ज़्यादा हमारे लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं अब हम चलते हैं आगे आई ऑन चाइना जयशंकर सेड विल बेनिफिट इंडो पैसिफिक तो क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जो कि यहाँ पर चार कंट्रीज़ को कंपराइज करता है इंडिया यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑब्जेक्टिव तो यही है जो चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है इंडो पैसिफिक में उसको काउंटर करना है लेकिन डायरेक्टली ये ऐसा नहीं कहते हैं कि चाइना को काउंटर करना इनका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो कॉर्ड और कॉर्डिलेटल सिक्योरिटी डायलॉग कम्प्राइजिंग इंडिया यूएस जैपन एंड ऑस्ट्रेलिया वो सेटअप इन ट्वेंटी सेवनटीन टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक रीजन इफ देर आर रिजर्वेशन इन एनी क्वार्टर दीज स्टेम फ्रॉम अ डिज़ायर टू एक्सरसाइज अ वीटो ऑन द चॉइस ऑफ अदर्स अब बेसिकली चाइना का ये कहना है ये जो कॉड ग्रुपिंग है ना ये एशियन नेटो है तो इसके ही यहाँ पर यहाँ पर इसीलिए काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर यहाँ पर चाइना को ऐसा लगता है इट हैज़ सेट दैट द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कोकडा बाई द यू एस इन द नेम ऑफ फ्रीडम एंड ओपननेस इसकीन ऑन फॉर्मिंग क्लिक्स तो क्लिक्स का मतलब है यहाँ पर जो यू है वो स्मॉल ग्रुपिंग्स बनाकर यहाँ पर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है टॉकिंग अबाउट द इंडो पैसिफिक तो इंडिया यही चाहता है कि इंडो पैसिफिक एक फ्री ओपन इंक्लूसिव पीसफुल एंड बिल्ट ऑन रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए आई थिंक इफ इंडिया एंड चाइना हैव टू कम टुगेदर तो बेसिकली जैसे ये कहा जाता था ना कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एशियन सेंचुरी होगी तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का यही कहना है कि एशियन सेंचुरी तभी हो पाएगी अगर यहाँ पर इंडिया और चाइना साथ आ जाए तो आई थिंक इफ इंडिया एंड चाइना हैव टू कम टुगेदर देर आर मेनी रीजन्स टू डू सो नॉट नेसेसरली ओनली श्रीलंका ही सेट एडिंग दट इट इज़ इन इंडिया एंड चाइनाज ओन इंटरेस्ट टू ज्वाइन हंड्स लेकिन उसके लिए यहाँ पर चाइना के पास सदबुद्धि आने की ज़रूरत है तो वी वेरी मच होप दैट विजडम डॉन्स ऑन द चाइनीस साइड डेमोग्राफी इज चेंजिंग इन बॉर्डर एरियाज़ तो यहाँ पर ये होम मिनिस्टर का कहना है कि जो डेमोग्राफी है वो बॉर्डर एरियाज़ में चेंज हो रही है अब ये क्यों चेंज हो रही है तो बेसिकली यहाँ पर रोहिंग्याज के आने से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के आने से द डेमोग्राफी इन बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री इज चेंजिंग एंड पुलिस चीफ्स ऑफ बॉर्डर स्टेट शुड कीप अ वॉचफुल आई ऑन दिस डेवलपमेंट ऑल स्टेट शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू द इशूज जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है रिसेंटली ड्यूरिंग द बाइलेट्रल टॉक्स बिटवीन बॉर्डर गार्ड्स इन बांग्लादेश एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब ये यहाँ पर इशू रेज किया गया था कि बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश का ये कहना था कि हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमारे यहाँ के लोगों को इललीगली इंडिया में जाने की जरूरत नहीं है तो रिसेंटली ड्यूरिंग द बाइलेटरल टॉक्स बिटवीन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वैन दिस इशू वॉज रेस्ड बाई द इंडियन साइड बांग्लादेश शेड देर वॉज नो नीड फॉर इट सिटीजन टू इनफिल्ट्रेड इन टू इंडिया क्योंकि जो बांग्लादेश है वो इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा कर रहा है ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पर होम मिनिस्टर का यही कहना है इन द फील्ड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हमने बहुत सारी सक्सेस अचीव की है फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर से टेररिज्म खत्म हो चुका

अब यहाँ पर जो शुगर मिल्स होती हैं ना वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करती है बगास का यूज़ करके बगास क्या होता है जो फाइबरस मटेरियल रह जाता है शुगर केन से जूस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो उसका यूज़ करके ये लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और जितनी इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ कर लेते हैं वो तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन जो यहाँ पर बच जाती है वो यहाँ पर किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच देते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर महाराष्ट्र में एम एस ई -E डी सी एल इनसे इलेक्ट्रिसिटी लेती है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तो इन्होंने शुगर मिल्स को ये कहा है कि हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेना बंद कर देंगे अगर जो भी फार्मर्स का ड्यू है अगर आपने वो क्लियर नहीं किया तो योर जॉब टू रिकवर वॉट फार्मर्स ओ एस डिस्कॉम टेल्स शुगर मिल्स तो बस मेन ऑब्जेक्टिव यही था आपको ये न्यूज़ बताने का कि इसमें बगास का मैंशन है कि जो शुगर मिल्स हैं वो अपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करते हैं बगास का यूज़ करके बगास क्या होता है एक फाइबरस मटीरियल होता है जो कि शुगर केन का जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद रहे जाता है अब हम चलते हैं आगे इज दिस हाउ जस्टिस एंड्स अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हम बिल्किस बानो का केस इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेमिशन कौन से केसेस पर दिया जाता है और रेमिशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है लेकिन एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं तो यहाँ पर बिल्किस बानो केस के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो 11 लोगों को यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रेजनमेंट दिया गया था उनके सेंटेंस को रेमिट कर दिया गया है द अप्रूवल बाई द गुजरात गवर्नमेंट पैनल फॉर द रमेशन ऑफ सेंटेंसिस ऑफ इलेवन मैन कन्विक्टेड ऑफ रेपिंग बिल्कस बानो द मर्डर ऑफ ए थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड और इसके अलावा तेरह लोगों को और इन्होंने मर्डर किया था लेकिन उनको यहाँ पर रेमिशन दे दिया गया है अब सबसे पहले ऑचर ने ये क्वेश्चन उठाया है कि कुछ रेप केसेस में फॉर एग्जांपल जो दिसंबर 2012 में निर्भया रेप केस होता है तो उसमें तो डेथ पेनल्टी दी जाती है लेकिन ऐसे ही बहुत सारे हीनियस केस है फॉर एग्जांपल ये भी यहाँ पर हीनियस केस था तो इसमें क्यों रमिशन दिया गया तो वी कुड आर्ग्यू वेदर रमिशन कैन बी ग्रांटेड अंडर अ पॉलिसी दैट एग्जिस्टेड इन नाइनटीन इसके अलावा जो गुजरात गवर्नमेंट ने जिस पॉलिसी के अंदर रमिशन दिया है ना वो पॉलिसी अब एग्जिस्ट करती ही नहीं है उस पॉलिसी को पहले ही रिपील कर दिया गया है तो वी कुड आर्ग्यू वेदर रमिशन कैन बी ग्रांटेड अंडर अ पॉलिसी दैट एग्जिस्टेड इन नाइनटीन एंड हैं सिंस बीन repealed इसके अलावा सेंटर की गाइडलाइंस है कि आप हीनियस क्राइम में यहाँ पर रेमिशन नहीं दे सकते हो और ये जो बिल्किस बानो का केस था ये बेसिकली यहाँ पर एक हीनियस क्राइम था तो इसमें रेमिशन नहीं दिया जाना चाहिए था तो ऑथर के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है उसके बाद यहाँ पर ऑथर ने पूरा आर्टिकल पॉलिटिकल कर दिया है फॉर एग्जाम्पल ऑथर का यह कहना पॉइंट इज दट द बजे पी अस टू बिलीव कि यहाँ पर जो हिंदूज हैं वो कभी टेररस नहीं हो सकते हिंदू सिर्फ विक्टम होते हैं तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा आर्टिकल आगे जाकर पॉलिटिकल हो जा रहा है नेक्स्ट स्टेपिंग बैक तो रोहिंग्यास को लेकर यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यह कहा था कि रोहिंग्यास को ई डब्ल्यू एस फ्लैट्स में दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा लेकिन उसके बाद क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है जिसके बाद यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री वो क्लियर करती है कि ऐसा कुछ नहीं है इनको डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा और इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अब ऑक्सर ने ये कहा है कि ये जो पॉलिसी है ना रिफ्यूजीज को लेकर चेंज होती रहती है ये चेंज ना हो आपके पास एक यहाँ पर पॉलिसी होनी चाहिए तो उसके लिए इंडिया में एक रेफ्यूजी लॉ की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं से भी रेफ्यूजीज हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर श्रीलंका से रेफ्यूजीज हैं चिन रेफ्यूजीज हैं तो सबके लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू रेफ्यूजीज हो तो आपकी अलग पॉलिसी होनी चाहिए मुस्लिम रेफ्यूजीज़ हो तो आपकी अलग पॉलिसी होनी चाहिए ये करने की जरूरत नहीं आपके पास यहाँ पर एक लॉ होना चाहिए और हमें यहाँ पर रेफ्यूजी कन्वेंशन जो है नाइनटीन का हमें उसे साइन कर लेना चाहिए ऑन वेंसडे मॉर्निंग

म्यांमार में कू हो जाता है जिसकी वजह से रोहिंग्या के एक्सोडस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन यू एन सेक्रेटरी जनरल का ये कहना है मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड रोहिंग्या जो है वो इंडिया में आ चुके हैं म्यांमार शेयर से सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर बॉर्डर जो कि चार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से शेयर किया जाता है मिजोरम नागालैंड मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश अप्रैल लास्ट ईयर में सेंटर ने स्टेट्स को यह कहा था कि आप अप्रोप्रिएट एक्शन लो और यहां पर स्ट्रिक्ट विजिल मेंटेन करो और रोहिंग्याज जो हैं वो इंडिया में ना आ सकें द स्टेट गवर्नमेंट का यह कहना था कि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो यहाँ पर रेफ्यूजीज को डिक्लेयर कर सकें क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है टू द रफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ नाइनटीन तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है टू द रफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ नाइनटीन इसके अलावा रेफ्यूजीज के हैंडलिंग के लिए हमारे पास कोई लॉ भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट रिमाइंडेड द गर्मेंट दैट द कंट्री हैज वोन एक्ोलेट्स फॉर इट सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ रेफ्यूजी लेकिन हमारे पास कोई भी रेफ्यूजी रोहिंग्या के बीच हिंदू रेफ्यूजीज के बीच में, में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ना हो तो ऐसे के लिए हमारे पास रेफ्यूजी लॉ होने की जरूरत है तो लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी ऑन द रोहिंग्या टू तो कॉन्वर्सेशन फॉर सच आ तो यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स की बात की गई मिलिटेंट्स हैव स्ट्रक इन द कश्मीरी वैली वंस अगेन और कश्मीर में यहाँ पर देखा जा रहा है जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनकी टारगेटेड किलिंग की जा रही है बाय द मिलिटेंट्स ऑन ट्यूजडे दे गन डाउन अ कश्मीरी पंडित एंड इंजर्ड अनदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी फिर यहाँ पर हिस्ट्री बताई गई है जो कश्मीरी पंडित्स थे उनकी यहाँ पर पॉपुलेशन डुंडल होना शुरू हो गई थी जब से यहाँ पर इस्लाम में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया था अराउंड द थर्टीन सेंचुरी तो कश्मीरी इज द मदर टंग ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम द वैली कल्चरली दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत कुछ कॉमन था The Dogra regime is seen as a good period for the Pandits when its members used education to improve their status vis-à-vis the Muslims. 1948 में जो यहाँ पर community है वो 8 percent थी of the state's population. फिर Land Reforms Act जो कि initiate की गया initiate किए गए by the Sheikh Abdullah government उसकी वजह से यहाँ पर जो Kashmiri pundits थे उनके land यहाँ पर lost होने लग गए और उन्होंने यहाँ पर very some migrate करना start कर दिया. 1981 में Kashmiri pundits की population सिर्फ 5 percent रहेगी और 1990s में जो exodus हुआ क्योंकि targeted killing of the pundits start हो गई बाद यहां पर जो पॉपुलेशन बची कश्मीरी पंडित्स की वैली में वो सिर्फ एक प्रतिशत बची अब आरटीआई एक्टिविस्ट ने यहां पर आरटीआई डाली थी तो ये इंफॉर्मेशन पता चली कि जब टारगेटेड किलिंग्स हुई थी कश्मीरी पंडित्स की तो उस समय 1635 परसेंट ऑफ अदर फेथ्स हैव आल्सो लॉस्ट देयर लाइफ सिंस 1990 तो दीज फिगर्स कुड बी डिस्प्यूटेड बट द फैक्ट इज दैट यहां पर मुस्लिम्स और पंडित्स दोनों ने ही सफर किया है एट द हैंड्स ऑफ मिलिटेंट्स ऑफकोर्स द फियर इज मच ग्रेटर अमंग द माइनॉरिटीज और यहां पर जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो सिर्फ वन बचे हैं वैली में इन टू एज पर गवर्नमेंट फिगर्स सिर्फ यहां पर आठ पंडित फैमिलीज बनी बची हैं तो so सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल दो में भी कोशिश की गई कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको यहाँ पर वैली में शिफ्ट किया जाए लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है विद स्टेट अंडर सेंट्रल रूल यहां पर कश्मीरी पंडित जब वापस गए तो उसके फिर से यहाँ पर हो चुकी है उसके कुछ रीजन फॉर एग्जाम्पल वुमेन के ऊपर रिस्पॉसिबिलिटी होती है चाइल्ड केयर को लेकर डोमेस्टिक वर्क को लेकर जिसकी वजह से यहां पर वुमेन एक डिसडवाटेज पोजिशन में रहती है और वो यहां पर लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं अब ऑथर का जो परसेप्शन है ना इसको चेंज करने की जरूरत है फॉर एक्जाम्पल इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है इसके अलावा वेमेन और मैन दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं अब हाउस होल्ड चोर्स में इसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड केयर में तो दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं तो अब ये नहीं रीज़न रह गया कि वेमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वेमेन का क्यों नहीं बढ़ रहा प्रॉब्लम यह है कि आपको यहाँ पर जो वर्क प्लेस है उनको सेफ बनाना है जो ट्रांसपोर्ट है उसको यहाँ पर सेफ बनाना है और इसके अलावा यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करनी है तो अब हमें डिमांड साइड के ऊपर फोकस करने की जरूरत है क्योंकि पहले ये जो रीजन थे कि चाइल्ड केयर के की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डोमेस्टिक वर्क की रिस्पॉसिबिलिटी वजह से विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है तो ऐसा नहीं है अब ये चेंज हो रहा है तो मेरी आर्ग्यूटे एंड डोमेस्टिक वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लेबर मार्केट बोथ ग्लोबली एंड इन वर्क बर्डन और मदरहड पेनाल्टी एज समू अंडरलाइन जेंडर गैप इन अर्निंग्स करियर चॉइस एंड अवर्ड मोबिलिटी इंडिया में जो वेमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज्यादा कम है और ये कहा जाता ये है इसीलिए कम है वेमन के ऊपर चाइल्ड केयर रिस्पांसिबिलिटी और डोमेस्टिक टास्क होते हैं जिसकी वजह से रेट कम है लेकिन ऑथर ने यह कहा कि अब हमें डिमांड साइड के ऊपर फोकस करने की जरूरत है जो कि यहां पर विमेन फेस करती हैं लेबर मार्केट में फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ सेफ ट्रांसपोर्ट सिक्योर लिविंग स्पेस हेरसमेंट फ्री वर्क प्लेस तो ये आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है ग्लोबली फॉर इंस्टांस जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया में भी यहाँ पर टू पॉइंट वन तक पहुँच चुके हैं तो इन इंडिया एज पर द ट ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर टू पॉइंट वन तक पहुँच पहुंच चुका है इसके अलावा जो चाइल्ड लेसनेस है वो भी इंडिया में ग्रो रही फॉर एग्जाम्पल यू के में तो चाइल्डलेसनेस यहाँ पर फिफ्टी परसेंट ऑफ वेमन जो कि यहाँ पर तीस साल के हैं लेकिन वो अभी तक चाइल्डलेस हैं और ऐसे ही यूएसए में भी ये जो परसेंसेंटेज इंक्रीज हो रहा है इंडिया में भी ये परसेंटेज फाइव परसेंट पहुंचे हो चुका है पांच तो परसेंट महिलाएं इंडिया में हैं जो है। तो ने ये कि आने वाले में ये जो परसेंटेज है लेट नाइनटीन सेवेंटीज इंक्रीजिंग चाइल्डलेसनेस ड्रिवन ड्रिवेन बाई हायर फीमेल एजुकेशन इन इंडिया तो इसके बारे में ऑथर ने यहां पर है अब यहां पर फ्यू चिल्ड्रन होंगे तो वेमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी लेकिन आप ये कह सकते हो कि अब जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट फॉर द कॉर्गनेटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि अगर हम इस फैक्टर को कंसिडर कर ले, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वेमन के पास काफ़ी टाइम होगा लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे लेकिन यहाँ पर फिर एजिंग पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज होगी तो यहाँ पर जो वेमेन की यहाँ पर रिस्पॉसिबिलिटी है वो टुवर्ड्स द यहाँ पर एजिंग पीपल बढ़ जाएगी फॉर एक्जाम्पल ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर तो सम आर्ग्यू दैट द बर्डन ऑफ एल्डर केयर विल रिप्लेस दैट ऑफ चाइल्ड केयर गिविंग एजिंग पॉपुलेशन फिर यहाँ पर ऑथर ने इसको काउंटर करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि इंडिया में अब ज्वाइंट फैमिलीज आपको उतनी नहीं मिलेगी मोस्टली इंडिया में यहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर बढ़ रहा है तो मोस्ट पीपल नो लॉन्गर लिव देयर एल्डरली पेरेंट्स इधर इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल यूएस में सिर्फ अठारह ऐसे हाउस हैं जो कि मल्टी जनरेशनल है इन द यू के सेवन परसेंट ऑफ हाउस होल्ड हैं जो कि मल्टी जनरेशनल है और इंडिया में सोलह परसेंट फैमिलीज हैं जो कि ज्वाइंट कंसिडर की जाती है दो हजार ग्यारह सेंसस इन अदर वर्ड्स द एविडेंस डज नॉट सजेस्ट कि यहाँ पर जो एल्डर केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ने वाली तो ऐसा भी नहीं है इसका मतलब ये है कि ये जो परसेप्शन है कि वेमेन लेबर फोर्स मार्केट में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही वो यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क की वजह से या चाइल्ड केयर की वजह से नहीं कर रही तो ये रीज़न नहीं है अब रीजन चेंज हो गया है और इस रीज़न जो चेंज हुआ इसका मतलब ये है कि हमें डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है इन पर्टिकुलर फॉर इनहसिंग इंडियाज़ वेमेन इंप्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट वी नीड ग्रेटर इम्फेस ऑन डिमांड साइड फैक्टर्स तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है वेमन को स्किल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है इसके अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेमेन को हायर ही नहीं करती फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ को ये लगता है कि वेमेन को हायर करेंगे फिर हमें मेटर्निटी लीव देनी पड़ेगी तो इन सब के चलते यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का जो माइंडसेट है वो चेंज करने की जरूरत है तो डोवटेल विद दिस वेमन नीड अ डाइवर्सिटी ऑफ मेजर्स टू क्रिएट सिक्योर अकोमोडेशन इन स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ अगर वो यहाँ पर माइग्रेट करती हैं फॉर द वर्क इसके अलावा यहाँ पर सेफ मोड्स ऑफ पब्बिक ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्शुअल हरेसमेंट इन वर्क स्पेसिस तो अब हमें यहाँ पर डिमांड साइड कंस्ट्रेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है आई एम नॉट द फर्स्ट से दिस बट वॉट इज न्यू इज फैक्टरिंग इन डेमोग्राफिक चेंजेस तो ये जो हमारा है कि वेमेन लेबर फोर्स इसीलिए नहीं पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड केयर और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीजीजीजीजीज है तो इस परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है तो वी नीड टू परसिस्टेंटली चैलेंज द आइडिया दट मोस्ट इंडियन वेमेड नॉट जॉइन द लेबर फोर्स बिकॉज दे प्रेफर हाउस वर्क टू पेड वर्क एंड आस्त फॉर पॉलिसीज डेट प्रो एक्टिवली क्रिएट जॉब्स इन विच वेमन वुड लाइक टू वर्क फिर यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल यू वन वन फाइव के बारे में जो कि चाइना की एक रिसर्च वैसल है और ये हम्बन टोटा पोर्ट पर आकर डॉक हो रखी है तो अब ने ये कहा है कि इंडिया के कंसर्न्स को यहाँ पर श्रीलंका ने नहीं देखा अब इसका क्या रीज़न हो सकता है तो वन एक्सप्लेनेशन फॉर कोलम्बोज चेंज ऑफ हार्ट इज दैट द विजिटिंग चाइनीज शिप इज नॉट क्लासीफाइड एज अ वॉरशिप तो ये एक रिसर्च वेसल है तो ऐसे में श्रीलंका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था श्रीलंका को यहाँ पर रीजन देने की जरूरत थी चाइना को कि यहाँ पर जो श्रीलंका है वो चाइना को क्यों नहीं अलाउ कर रहा है शिप को डॉक करने के लिए तो एज अ स्पेस एंड सेटेलाइट ट्रैकिंग शिप ऑस्टेंसिबली द युआन वन वंग फाइव पोजिस नो डायरेक्ट थ्रेड्स टू इंडियाज यूनिटी इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी तो जो यहाँ पर इंडो श्रीलंकन एटी सेवन है ये उसका नहीं होगा तो इंडो 1987 का ये कहता है कि दोनों ही कंट्रीज इंडिया और श्रीलंका किसी भी फॉरन एक्टिविटी को यहां पर अपनी टेरिटरी में नहीं होने देंगे जो कि एक दूसरे को यहां पर थ्रेट पोज करे द अदर पॉसिबिलिटी यह है कि श्रीलंका ने यहां पर जो चाइना से प्रेशर आया श्रीलंका ने उसको सकम कर दिया तीसरा रीजन ये बताया गया है जो इंडिया का यह ऑब्जेक्शन था कि युआन वांग फाइव को नहीं अलाउ किया जाना चाहिए ये यहाँ पर यू एन क्लॉज के प्रोविजन को नहीं फॉलो करता है तो यू एन क्लॉज के प्रोविजन को फॉलो नहीं करता इसका मतलब यह है कि जो रिसर्च वेसल है वो यहाँ पर आकर डॉक कर सकती थी तो न्यू डेलीज स्टैंड ही अवर्ड इज अनमेंटेनेबल इन द फेस ऑफ चाइनाज पोजिशन ऑफ हमन टोटा पोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन्टी नाइन ईयर तो हमन टोटा पोर्ट निन्यानवे सालों के लिए चाइनीस कंपनी के पास लीज पर है तो ऐसे में श्रीलंका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था मोर ओवर इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग बाई फॉरन सिप्स ये एक रेगुलर अफेयर है और ये सारी कंट्रीज को पता है कि यहाँ पर

चाइना यहाँ पर कोशिश कर रहा है जो लंका की इन डेटनेस उसको यूज़ करने के लिए अपने स्ट्राजिक हेफ्ट को डिस्प्ले कर रहा है तो ये यह यहाँ पर ऑथर का कहना है नेक्स्ट स्ट्राइट्स इन द गल्फ तो यहाँ पर जो ए है वो ये चाहता है कि ए एम पर डॉक्टरेट जो है वो कन्फर करे टू मोहम्मद बिन सलमान तो एम यू सीक सेंटर्स नॉट टू कन्फर डिग्री ऑन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान प्रोपोजल टू कन्फर एन ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री ऑन द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया तो ऑथर का ये कहना है कि सेंटर को यहाँ पर नॉट दे देनी चाहिए इसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है वो और ज़्यादा डीपन होंगे तो अब इससे ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करेंगे नेक्स्ट है अ सीरियस इशू यहाँ पर जो डोलो है ना तो यहाँ पर डोलो ने काफ़ी लॉबिंग की थी और लगभग एक हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पर डॉक्टर्स को दिए थे कि डॉक्टर्स यहाँ पर पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करें 650 मिलीग्राम ऑफ डोलो अब यहाँ पर अगर 500 मिलीग्राम से कम की है टैबलेट तो ये रेगुलेट होती है अंडर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट लेकिन अगर ड्रग अब, अब है फाइव मिलीग्राम तो ये फिक्स किया जाता है द फार्मा कंपनी कंसर्न तो दैट द मार्केट प्राइस ऑफ एनी टैबलेट अपू फाइव हंड्रेड मिलीग्राम इज रेगुलेटेड अंडर प्राइस कंट्रोल मैकानिजम ऑफ द गवर्नमेंट बट द प्राइस अब हम चलते हैं आगे यूएस इन ताइवान टू बिगे फॉर्मल ट्रेड टॉक्स जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना एंग्री हो गया चाइना ये कह रहा है कि यूएस चाइना की सॉबर्निटी को हर्ट कर रहा है चाइना मीन वाइल्ड फर्मली अपोज इज स्ट्रेट टॉक्स बिटवीन द यू एस एंड द तावान एंड सेज इट विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू फर्मली सेफ गार्ड इट्स सॉवर्निटी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट तो ये यहाँ पर कहना है चाइना का नेक्स्ट यहाँ पर श्रीलंका का ये कहना है कि जैपान से श्रीलंका ये कहेगा कि इंडिया और चाइना को साथ में लेकर आया जाए और डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जाए जो चाइना वो अपना डेट रीस्ट्रक्चर करे जो इंडिया के ऊपर जो यहाँ पर इंडिया ने डेट दे रखा है श्रीलंका को उसको भी यहाँ पर रीस्ट्रक्चर किया जाए यूके की यहाँ पर जो प्रीति पटेल हैं इन्होंने एक डील साइन की है विद पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो भी यहाँ पर क्रिमिनल्स इसके अलावा जो वीज़ा था जिनका टाइम पूरा हो चुका है उनको वापस भेजा जाएगा तो ब्रिटेन हैज़ क्लेश्ड अ न्यू एग्रीमेंट विद पाकिस्तान डब ड लैंडमार्क डील टू स्पीडली रिमूव पाकिस्तानी नेशनल्स विद नो लीगल राइट टू तो रिमेन इन द यू तो उनको यहाँ पर वापस भेजा जाएगा टू द पाकिस्तान तो रिटर्न एग्रीमेंट वो साइन बाई होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल एंड पाकिस्तान इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर मेगलाडॉन की बात की गई है अब मेगलाडॉन क्या है तो फॉसिल एविडेंस है ये यह यहाँ पर थ्री स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये एक बिगेस्ट पेरेडरी एनिमल्स होगा ऑफ ऑल टाइम और ये लगभग तेईस मिलियन से टू मिलियन ईयर्स अगो पहले कभी हुआ होगा तो ये यह है यह फोटो देख सकते हैं जॉइंट मेग्लोडॉन शार्क कुड हैव डिवाउड अ क्रिएचर द साइज ऑफ ए किलर वेल इन जस्ट फाइव बाइट्स तो ये लगभग तेईस मिलियन से टू मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करता होगा थ्री मॉडलिंग रिसर्च से ये बेसिकली यहाँ पर बनाया गया तो जो भी फॉसल्स अवेलेबल थे उससे इसको बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टडी द मेगलोडॉन वॉज बिगर देन अ स्कूल बस एट अराउंड फिफ्टी फीट फ्रॉम नोस टू टेल और इसका लगभग वेट होगा दस एलिफेंट्स के बराबर फिर यहाँ पर यह बताया गया कि इंडिया का अपना ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म होना चाहिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है एक यहाँ पर और फैक्ट मैंशन है एस्टोनिया के बारे में एस्टोनिया वर्ल्ड की ब्लॉक चेन कैपिटल है तो यहाँ पर यह मैंशन है फिर यहाँ पर यह बताया गया जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर ब्लॉक चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं जैसे कि एथेरियम फिर यहाँ पर वेब थ्री के बारे में मैंशन किया गया है लेकिन एस सच सिर्फ यह बताया गया है कि वेब थ्री पॉइंट ओ डी होगा इससे ज्यादा यहाँ पर कोई फैक्ट्स मैंशन नहीं तो आप स्टार्टिंग पार्ट में पढ़ लेना क्योंकि इस बार प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन आया था वेब थ्री पॉइंट ओर पर फिर यहाँ पर यह बताया गया जो इंडिया है इंडिया को अपना ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए अब हम चलते हैं आगे पोस्ट कोविड स्पेंडिंग डिस्क्रिशनरी आइटम्स गेन स्टीम स्टेपल्स स्टेट टेपिड अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं सिर्फ यहाँ पर यह बताया गया है कि इंडिया में हमें के शेप्ड रिकवरी देखने को मिली है के शेप्ड रिकवरी का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो यहाँ पर डिफरेंट पेज से रिकवर कर रहे हैं फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ने तो रिकवर कर लिया लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी भी यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाए हैं इन द आफ्टर मैथ ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक इंडिया कंजम्पन स्टोरी पॉइंट टू अर एविडेंस ऑफ ए के शेप्ड रिकवरी लेकिन यहाँ पर सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा था कि के शेड रिकवरी नहीं है हमारी यहाँ पर वी शेप रिकवरी है फिर यहाँ पर विंडफॉल टैक्स की बात की गई तो विंडफॉल टैक्स का रिविजन किया गया है सरकार ने यहाँ पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी फ्यूल्स के ऊपर उसके बाद यहाँ पर सरकार ने सेस लगाया था तेईस हजार दो सौ पचास पर्टन बाई वे ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जिसको कि यहाँ पर विंडफॉल टैक्स का भी नाम दिया गया था तो सरकार ने वापस उसको रिवाइज किया है क्योंकि जो यहाँ पर ग्लोबल क्रूड के प्राइस है वो यहाँ पर कम हो रहे हैं तो एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या रीच किया तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन के टारगेट को नहीं मेंटेन कर पाया जिसकी वजह से यहाँ पर आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट कि आरबीआई बी यहाँ पर क्यों नहीं मेंटेन कर पाए तो आर को यहाँ पर थ्री क्वार्टर्स तक अगर आर इन्फ्लेशन के टारगेट को नहीं मेंटेन कर पाता है इसका मतलब ये है कि आर बी यहाँ पर टारगेट्स को मेंटेन करने में फेल हो गया है फिर यहाँ पर नीति आयोग ने यह कहा है अपने ऑफिशियल से कि कोई भी आर्टिकल अगर आप पब्लिश करने को भेजोगे टू एनी आउटसाइड मीडिया आउटलेट तो आपको यहाँ पर पहले अप्रूव कराना पड़ेगा उस आर्टिकल को फिर यहाँ पर हमने रायगढ़ कोर्स डिस्कस किया और यहाँ पर हमने डिस्कस किया हरी हरिश्वर बीच फिर हम चलते हैं आगे आई ऑन चाइना तो हमने यहाँ पर क्वाड कंट्रीज की बात की क्वाड में यहाँ पर चार कंट्रीज़ हैं बेसिकली इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए बना है क्वाड चाइना को जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का एग्रेसि बिहेवियर उसको काउंटर करने के लिए फिर हाँ पर के यहाँ पर बॉर्डर एरियाज के अलॉन्ग यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है लॉड कर्जन के रिगार्डिंग बेसिकली आप हिस्ट्री में पढ़ लेना कि लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये हमने डिस्कस कराया बिल्कस बानो का केस इसके अलावा हमने यहाँ पर रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ नाइनटीन साइन नहीं किया है इंडिया के पास कोई भी रेफ्यूजी लॉ नहीं है जो कि होना चाहिए जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स हैं उनकी वापस से टारगेटेड कैलिंग की जा रही है जब वो यहाँ पर वापस कश्मीर में गए हैं और यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित्स की यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ वन परसेंट बची है वैली में फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे स्पीच टू वेमेंस वर्क तो यहाँ पर ये कहा गया जो वेमेन की रिस्पॉसिबिलिटी हुआ करती थी चाइल्ड केयर को लेकर के, इसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क को लेकर वो यहाँ पर कम हो गई इसका मतलब ये है कि वेमेन लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते

फिर यहाँ पर श्रीलंका का ये कहना है कि जापान से बात की जाएगी कि जापान यहाँ पर इंडिया और चाइना से मिलकर बात करे कि जो यहाँ पर डेट रीस्ट्रक्चरिंग वो की जाए श्रीलंका को हेल्प करने के लिए फिर यहाँ पर मेगलोडॉन की बात की गई है तो ऐसा क्रिएचर लगभग तेईस मिलियन से टू पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर से अगो पहले एग्जिस्ट करता होगा फिर इंडिया को एक ब्लॉक चेन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है एस्टोनिया यहाँ पर ब्लॉक चेन कैपिटल है फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि जो डी सेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर यह ब्लॉक चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं जैसे कि एथेरियम फिर केश रिकवरी इंडिया में हमें देखने को मिली ऐसा हमें इससे पता चला केश रिकवरी का मतलब ये कि डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पर डिफरेंट पेस पर पे रिकवर कर रहे हैं फिर यहाँ पर विंडफॉल टैक्स की बात की गई तो सरकार ने विंडफॉल टैक्स का रिविजन किया है आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड एव नाइस डे